तो अभी लघी ले लिए हैं और अभी चांदनी के पापा तोड़ रहे हैं और हम पथिया ले लिए हैं, तो इसे ही करके तोड़ेंगे। लीजिए, और इतना ये टेस्टी लगता है ना खाने में, मीठा मीठा लगता है। और मम्मी इधर अब पत्री टिप रहे हैं सखुआ पत्ता का। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ इतना सारा ले लिए कोनार का फूल, अब इसको निकाल निकाल के यहाँ अभी रखते जाएंगे। और रियाज जी अभी इधर मसाला पीसने का तैयारी कर रहे हैं, और रियाज जी मसाला पीस रहे हैं इधर सिलपट्टा में। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पात फोड़वा रोटी कोनार फूल का देखिए कितना अच्छा है, और आप सभी लोग अंदर का दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग्स में। और अभी 10 बज रही है सुबह की, और आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज का जो मौसम है ना, काफी एकदम अच्छा अच्छा मौसम। क्या हुआ, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा, ढूंढू क्या हुआ, बादल छाया हुआ पर ठंडा ही नहीं लग रहा है, काफी अच्छा मौसम है। और हमारे तरफ आज हल्का हल्का बारिश भी हो रही थी, रिमझिम रिमझिम वाला। देखिए तो पूरा आंगन हमारा गिल्ला अभी भींजा हुआ है, हाँ इधर इधर पानी में धोएंगे तो गिल्ला तो होगा ही ना, हाँ। और इधर सूखा हुआ, और अभी का मौसम भी काफी ढूंढू क्या हुआ, बादल छाया हुआ, काला दिख रहा है इस साइड में। देखिए इधर लग रहा है कितना तेज बारिश होगी ना। और देखिए बाबू खाटी भी रेडी हो गया है, जो इतना दिन पड़ा हुआ था ना, एक आए हुए थे और दादू और बना दिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए छोटा खाटी है, हाँ कहीं भी बिछा देंगे ना, जैसे हम लोग बाड़ी उड़ी भी जाएंगे कभी। अब धान कटिंग का सीजन भी आ गया ना हमारे इधर, अभी स्टार्ट कर दिए लोग धीरे धीरे काटना, अभी हम लोग नहीं किए हुए, हम लोग ज्यादा ऐसे खेत नहीं है, तो हम लोग भी जाएंगे तो खटिया लेके जाएंगे, बाबू को सुला देंगे वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी यहीं पे रखा हुआ है। और इधर पथिया भी ले लिया है रिया जी, और हम लोग जाने वाले हैं कोनार साग का फूल तोड़ने, कोनार का फूल तोड़ने जाएंगे। हम लोग ये दिन लाए थे और बना के खाए भी थे, काफी टेस्टी लगा था, तो सोच रहे कि आज भी जाएंगे और तोड़ के लाएंगे और खाएंगे। और मम्मी अभी इधर खाना पीना बना ही रहे हैं, देखिए इधर किचन में इधर मम्मी जी लगे हुए खाना पीना बनाने में, लाइट अभी है तो इंडक्शन में ही हमारा खाना बन रहा है, तो चलते हैं बगल में ही तो जाना है, वहां से लेकर के आते हैं और बनाएंगे। और हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर में आज बनाएंगे, हाँ ना, क्योंकि मौसम में डूडू क्या हुआ ना, तो हम लोग आग से कहाँ आएंगे, हाँ हल्का हल्का मतलब कि हवा बह रहा तो ठंड लग रहा है। देखिए वो डंटा निकाल लिए ना, डंटा से नवा नवा के तोड़ेंगे, दो गए तो इसी को लेके चल रहे हैं। और एक ले लिए छोटा सा लकड़ी, इसमें गोजा है ना, तो इसे करके करेंगे बांध करके आ जाएगा, तो चलते हैं जल्दी से लोग तोड़ करके लेके आते हैं कोनार का फूल। और चरपा रोटी आज बनाने वाले हैं हम लोग आज। और हमारे साइड में धान कटिंग भी शुरू हो चुका है, तो लोग इधर धान इधर काटना शुरू कर दिए, यहाँ पे धान काट काट के बीड़ा गिराया हुआ है, तो वहाँ पे भी काट रहे उधर भी। और हम लोग पहुँच गए कोनार पेड़ के सामने में, तो देखिए ये वाला है कोनार का पेड़, ये वाला है ये, हाँ तो ही वाला ऐसे नवा नवा के तोड़ेंगे ना तो आसान होगा। तो दोस्तों हम बांध रहे थे तो हमसे हुआ नहीं, तो अभी चांदनी के पापा बांध रहे हैं। अच्छे से बांधना पड़ेगा, नहीं तो फिर टाइट नहीं करेंगे ना तो फिर खुल जाएगा, अच्छा से होगा ही नहीं। और हम ऊपर से बांध रहे थे इसको, थोड़ा इतना करेंगे ना, ऐसे तीन ठो रस्सी ले आए हैं। और ये सब ना साल में एक आध बार ही आता है, एक बार, इसलिए सब खाना से हमारे यहाँ इसलिए खाते हैं, तो बहुत लोग लेके खाते हैं, सब नेचुरल चीज है, सब में कुछ मिलावट वगैरह होता थ्रो ना। अब चलिए तो तोड़ते हैं, पहले इधर से तोड़िएगा कि इधर से, तो अभी तोड़ रहे हैं और देखिए पूरा ऊपर आएगा जी। कोशिश किया तोड़ने का लेकिन ना टूट रहा नहीं, ज्यादा फूल सब झड़ जा रहा है, तो झाड़ी बहुत है ना, झाड़ी बहुत अच्छा से शिविर कांटा है, कुछ नहीं होगा। चलिए आ गए, अब तोड़ तोड़ के रखते जाते ना, ये सब तोड़ तोड़ के यहाँ देते जाते है, तो इसमें है बाबा वो सब लगी में लेके आएंगे ना, पकड़ेंगे हो जाएगा, बहुत सारा इसी में इतना सारा है कि हो जाएगा हम लोगों का। चलिए तो अभी लगी ले लिए हैं और अभी चांदनी के पापा तोड़ रहे हैं और हम पथिया ले लिए हैं, फूल है ना, हाँ तो इसे ही करके तोड़ेंगे। गामछी में अच्छा नहीं होगा ना, अच्छा नहीं हो रहा था, लीजिए बहुत सारा हो जाएगा ना, पूरा हो गया तोड़ा हुआ, अब नीचे उतर रहे हैं पेड़ से। चलिए उतर गए तोड़ करके और काफी सारा तोड़ लिए हैं कोनार का फूल, और इतना ये टेस्टी लगता है ना खाने में, मीठा मीठा लगता है, इसलिए बकरिया भी यहाँ आकर के खा रही है ना। चलिए बाबू उड़ गया, देखिए बाबू को उधर खिला रहे मम्मी,
अब चलते हैं बाबू खिलाते हैं, उसका फिर बनाएंगे। ठंड का मौसम है ना, तो यहाँ बैठ करके इन लोग ढीला लिखा कर रहे हैं। खिलाए लोन ये भी कह रहे हैं रिंधने के लिए, जल्दी जल्दी खावा है। लेकिन मीठा लगा फूल डावा। हाँ ए रो रहा रो रहा। ए हे ले ले माले, उठा उठा इधर उठा। चले लेके जा रहे हैं हम लोग घर। ये एगो मुर्गी का बच्चा अकेले हो गया, इधर चे 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 कर रही है। आ आ आ ये भी आ गई। ठीक है मिल गया। ये जो बच्ची है ना मुर्गी की, हाँ चूजी है, किसी और की ये चूजा है, हम लोग का नहीं है। इसे चेक चेक कर रही है, मम्मी पकड़ के वो पहुँचा देगी। और यहाँ पे रख दिए हैं ला करके साग को, साग के ना फूल को रख दिए हैं। और यहाँ जी किचन में इधर क्या कर रहे हैं, बाबू को पानी और तेल गर्म कर। बाबू का तेल मालिश अभी हुआ नहीं है ना, तो तेल मालिश करने के लिए इधर पानी और तेल गर्म करके कर देंगे। अब यहीं पे हम लोग बनाएंगे दोस्तों कोनार कोनार का फूल का जो रेसिपी, हम लोग यहीं पे बनाएंगे इस जगह पे पातपोड़वा रोड। ये जगह हम लोग बनाएंगे चूल्हा बना करके, क्योंकि आग का भी हमें काम देगा, बाबू को भी सेकने उकने के लिए काम देगा ना। हाँ। तो वहीं पे करते हैं, पहले चूल्हा बना लेते हैं। तो बाबू का तेल मालिश कर दे रहे हैं रिया जी। और इधर ईंटा रखा हुआ है ये साइड में, लेके जाते ना कैसे जाएगा। अच्छा एक एक करके लेके जाते ना, यहीं पे बनाते हैं जगह पे अच्छा रहेगा। पहले हम सारे ईंट को ले आते हैं जगह पे, आठ को ले आते हैं। इतना से यहाँ पे ईंटा रख दिए हैं, मामी इधर से निकल रहे हैं। ये चूल्हा बन जाते, चूल्हा चूल्हा बनते हैं इतना में। रिया जी को बढ़िया तरह से आता है चूल्हा बनाने, अच्छा से वो बना लेते हैं। ये जो स्कूटी वगैरह है ना, इसको हम हटा दे रहे हैं। कैसे बनाइएगा, किस तरह से बनाइएगा, इधर किधर भी मुँह करके बना दीजिए ना। तो इधर ये रिया जी बना लिए चूल्हा, बस हो गया लकड़ी ला के अब जलाएंगे। स्कूटी को यहाँ पे ला करके रख दिए ये जगह पे, ताकि दूर हो गया और चूल्हा भी रेडी हो गया बन करके। इधर रिया जी चूल्हा बना लिए, लकड़ी भी हमारा काफी सारा यहाँ रखा हुआ ये जगह। अब लेके आते हैं ना चटाई लेकर के आते हैं, यहीं पे करते हैं ना। और ये जगह थोड़ा सा झाड़ू लगाना पड़ेगा, बस हो गया साफ ही है, बस इसको हटा दे रहे हैं और झाड़ू लगाना पड़ेगा। ये भी भारी है, बाहर रख दीजिए। देखिए झाड़ू लगाया हुआ हो गया पूरा, अब साफ लगने लगा। सभी सामान को लोग यहाँ ला करके रख देते हैं, चटाई को लेके जाते हैं, सारा सामान को बाहर में रखेंगे, आटा मसाला उसाला सब चीजें। बस अब लोग यहाँ आराम से बनाते हैं सभी लोग और खाएंगे आज। नीतू चांदनी सभी लोग क्या सो रही है तुम यहाँ बताओ, तुम्हें सोने का है, सोने का है, पर यहाँ सोने का अंदर जाके सुतो। और मम्मी इधर पत्री टिप रहे हैं सखुआ पत्ता का, देखिए सखुआ पत्ता फूल भी है और ये आटा भी है, अभी चरपा बनाएंगे हम लोग। तो दोस्तों सारा सामान हम लोग ले आए हैं बाहर अभी, और अभी यहाँ आग को हम लोग जला रहे हैं, सुलगा रहे हैं आग को। लगने रहा लेकिन इतना तेज आग जल रहा, लेकिन तेज जल रहा। चलिए इधर आग को जला लिए इधर बाहर में, अभी तापेंगे, खाना भी बनाएंगे, रोटी भी बनेगा अभी सब, अभी अच्छा लगेगा। ठीक है आग अभी कितना भी सुलग रहा हमारा। इधर लेप लगना इधर शुरू हो गया कढ़ाई में, गंदा नहीं होगा क्या, नहीं होगा जी, मतलब काला होगा तो जल्दी छूटेगा। चांदनी भी इधर लेप लगा रही है भाई, तेज आग अभी काफी तेज अभी जलने लगा हमारा आग। देखिए आग भी काफी तेज जल रहा है, इधर हो चुका लेप लगाया हुआ और कढ़ाई को यहाँ पे चढ़ा भी दिए रिया जी, धुआं काफी उड़ने लगा। और दोस्तों कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और गर्म भी हो गया लगभग लगभग कढ़ाई। और अभी का जो मौसम है ना काफी एकदम अंधेरा कर दिया, अब थोड़ा देर के बाद ऐसे अंधेरा हो ही जाएगा। डूंडू पूरा किया हुआ आज का मौसम, अंधेरा अंधेरा लग रहा, दे दीजिए पानी। हाँ और चांदनी तो काफी एक्साइटेड है काम करने के लिए, मैं डालूंगी मैं करूंगी मैं खाऊंगी, कौन खाएगा बताओ, बाबू खाएगा। तो पानी इधर डाल दिए, अब इसको हम लोग निकालेंगे साग को, साग के रहे फूल को। और यार जी मसाला पीस रहे हैं इधर सिलपट्टा में, और ये पत्थर वाला सिलपट्टा है ना, इससे स्वाद काफी ज्यादा अच्छा लगता है इससे पीसने से। तो दोस्तों ये देखिए इतना सारा हम छांट लिए और पूरा एक सूप हो गया हमारा ना, कोनर का फूल। और इसको हम यहाँ दे रहे क्या कहते हैं इसको, सिझने के लिए। देखिए कढ़ाई में यहाँ दे रहे दोस्तों सिझने के लिए कोनर का फूल को। दो 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 चलो इसको ढक देंगे, ये फूल जाएगा कढ़ाई में, दे दिया
फूलने के लिए, सीजने के लिए। हाँ इधर रियाजी मसाला भी पीस लिए है। अब यह हमारा ये हो जाएगा ना, फूलेगा इसके बाद फिर इसके साथ सान के फिर बनाएंगे हम लोग। और हमारा इधर कोनर का फूल भी काफी बढ़िया तरह से खोल रहा है, देखिए कितना अच्छा से भी खोल रहा है। खोल रहा ना, खाएगी नहीं खाएगी? ठीक है, इसको देंगे भी नहीं खाएगी तो। देखिए कितना भी अच्छा लग रहा है, पूरा तेज अभी खोल रहा। और खास करके ना लकड़ी का चूल्हा में जो खाना बनता है इसका स्वाद ही मतलब ज्यादा कुछ अलग लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो बढ़िया तरह से ये हो गया। अब सारा ये हम लोग साग को यहाँ निकाल दे रहे हैं, अब यहाँ सानेंगे साग के साथ। देखिए कितना ये विटामिन इसमें होती है। और सारा फूल को यहाँ पे डाल दिए और आटा भी है, ये देखिए कोनर का फूल है ये। और मसाला को यहाँ पे डालेंगे, पहले मसाला डाल के सान लेंगे तब पानी होगा। और बाबू रो रहा तो मम्मी जी आके इधर उठा रहे हैं। लहसुन का पेस्ट वगैरह यहाँ पे बना के रखे हुए, ये देखिए इसमें काफी एकदम मस्त लभी लगेगा खाने में। अभी देखिए कितना अच्छा अभी लग रहा है। हल्दी वगैरह सब हो गया? हाँ। सच में इसका जो क्या कहते हैं, हाँ काफी अच्छा अभी ऐसा लग रहा है। देखिये मम्मी जी यहाँ पतले बना बना के रख दिया ना, तो सबको धो करके हम लाते हैं, सबको धोना पड़ेगा। तो सारा पत्तल को हम धो लिए बढ़िया तरह से और काफी साफ हो गया पत्तल, फटाफट आप बनाते जाते हैं। हाँ और यहाँ देखिए कितना सुंदर से यहाँ तेल दे रहे हैं रियाजी पत्तल में, और उसको देख के अब साटेंगे और फिर बनाएंगे यहाँ तावा में। देखिए इधर इस तरह से करना पड़ता है दोस्तों, कोनार का फूल का पात फोड़ा रोटी बनाने के लिए हम लोग रेडी हो गए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा गोल दीजिए, देखो ऊपर से चिपकाएंगे इस तरह से छोटा साइज वाला ले लेते हैं। अब देखिए इधर हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों, पत्ता में पूरा डाल दिए हैं और इसको कुछ इस तरह से चिपकाया जाता है ऐसे करके। हाँ देखिए चिपका दिए, ढक्कन हमारा इधर बनेगा। देखिए इधर डाल दिए इधर तावा में पत्ता, देखिए ऐसे करके डाले हुए हम लोग, पूरा पकेगा सुंदर से, अच्छा से पकेगा और स्वाद भी काफी अच्छा लगता है। पलटा दीजिए, पलटा दीजिए, अच्छा पलटने वाले हैं इधर। चलो बढ़िया से गिरना। आए देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे ना ये हमारा पात फोड़वा रोटी बन रहा आज। और दोस्तों हमारा बढ़िया तरह से पात फोड़वा रोटी रेडी हो चुका है। और ये देखिए कोनार फूल का पात फोड़वा रोटी दिखा रहे हैं आप सभी लोग, देखिए कितना अच्छा लग रहा हो गया ना, जब फूल की तरह लग रहा है हरा हरा टाइप का, पूरा पत्ता पूरा ही जल चुका है लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं जला, पूरा एकदम अच्छा है, थोड़ा सा भी जला नहीं है, हो गया उतारना बाकी है। चलिए देखते हैं वो नहीं चला। और इस तरह से हम लोग को और ऐसे ही करके सारा हम लोगों को भी बनाना है। चलिए हमारा उतर चुका दोस्तों पात फोड़वा रोटी, दे रहे हैं ना, देखिए कैसा लग रहा है आप सभी लोग दिखा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा अभी जला नहीं है, रुको 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 अभी रहने दो, बिल्कुल भी जला नहीं है लेकिन अंदर से बाहर से लगता है कि पता नहीं कैसा होगा लेकिन काफी अच्छा है और स्वाद भी काफी अच्छा लगता है इसका। देखिए इस तरह से करके अभी सारा रोटी अभी हम लोगों को भी बनाना है, रियाज अभी लेकर के यहाँ लेप कर रहे हैं अभी। और चांदनी इधर खाने में लग गई है पात फोड़वा रोटी, और रियाज जी दूसरा वाला पात फोड़वा रोटी यहाँ बना रहे हैं, यहाँ ले लिए हैं पत्तल ले लिए और फैला रहे हैं गोल गोल गोल, और काफी अच्छा लगता है इसका स्वाद। ये टेस्ट भी कर ली, कैसा लगा बेटा? अच्छा बढ़िया तरह से ये भी हो गया, अब इसको भी यहाँ डालने वाले हैं। देखिए यहाँ डाल दिए, ऐसे करके अभी सारा अभी हम लोग को पकाना है एक एक करके, और तीन चार ठो बनेगा। हाँ और ये देखिए दोस्तों हमारा पात फोड़वा रोटी कोनार फूल का, देखिए कितना अच्छा है। और आप सभी लोग अंदर का दिखा रहे हैं, अभी सेकंड रोटी यहाँ डाल चुके हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा अभी होगा ना, तो टेस्ट करते हैं। चाने जैसे टेस्ट कर लिया, अच्छा अच्छा, इसीलिए चांदनी खा रही, इसे चांदनी तभी से खाने के लिए। तो हम टेस्ट कर लिए, काफी एकदम स्वाद लगा। चांदनी बेटा कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा। और दोस्तों हमारी रोटी पकाई हुई हो चुकी है बढ़िया तरह से, और पकते जा रहा और खाते जा रहे, नहीं तो भी खा ले, कैसा लगा? अच्छा काफी अच्छा लगा। और चांदनी तो पूरा एक को खा गई, हम भी खा लिए, रियाजी भी खा लिए, और दो पीस अभी बचा हुआ है। देखिए दो पीस अभी बचा हुआ है मम्मी पापा लोग के लिए, नहीं तो हमारा लगभग लगभग हो ही गया। क्या अब लोग यहाँ खाना बनाएंगे शाम वाला, मतलब खत्म हो ही गया, मतलब बचने ही नहीं दिया, इतना अच्छा लग रहा था। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय।